हाय, आज मैं बनाने वाला एक बड़ा सा इंटर बटन जो कि तुम्हारे गैजेट्स को बचा सकता है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि ये हमारे गैजेट्स को कैसे बचाएगा और इस बड़े से बटन की हमें आखिर जरूरत क्या है। तो चलो डेमो देकर दिखाता हूँ। तो जैसा कि तुमने देखा, ये तुम्हारे गैजेट्स को तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यानी कि तुम्हारे गुस्से से उसे बचा सकता है। हाँ, अगर उसे प्लग करने का पेशेंस हो तो। इस बटन को बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा एक पुराना सा कीबोर्ड, एक फॉर्म का टुकड़ा और बहुत सारा पेशेंस इन सारे नट को खोलने के लिए जो इस कीबोर्ड में है। तो बेसिकली होगा ये कि हमारे पास यहाँ पे दो प्लास्टिक के सीट्स हैं, इस तरह के सीट्स, और उसके बीच में हम कीबोर्ड से निकाले हुए पीसीबी को लगा देंगे और उसके ऊपर एक बटन रहेगा इस तरह का छोटा सा टेक्टाइल स्विच, और उसके ऊपर हम एक और सीट रखेंगे। इन स्प्रिंग का काम ना सिर्फ इसको सेपरेट होने से रोकना है बल्कि इसे ज़्यादा दबाने से भी रोकना है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये हिस्सा कंप्रेस होगा और ये हिस्सा अपने आप को दूर करने का कोशिश करेगा और ये स्प्रिंग उसे रोक लेगा और उसे सेपरेट होने से रोक देगा। और इससे होगा ये कि अगर हम यहाँ पे भी प्रेशर लगाएंगे तो भी ये बटन को क्लिक करेगा, और अगर हम यहाँ पे भी प्रेशर लगाते हैं तो ये इसे बाहर जाने से रोकेगा और फिर भी बटन को क्लिक होगा। और इस मैकेनिज्म के तैयार होने के बाद हम इसे एक बड़े से इंटर बटन के शेप वाले स्ट्रक्चर में डाल देंगे, और ये स्ट्रक्चर छोटे छोटे फॉर्म के सीट से बना होगा, इस तरह के फॉर्म के सीट से, और जिससे कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा और इसमें हम कहीं पर भी प्रेशर लगाएंगे तो ये बटन को प्रेस कर देगा। इसमें से दो लेयर्स में वायर्स होता है और बीच में स्पेसर होता है जो कि दोनों वायर्स को आपस में टच होने से रोकता है, और इन स्पेसर्स के बीच में गैप होता है। तो जब भी हम कीबोर्ड का बटन को प्रेस करते हैं तो ये दोनों वायर्स इस स्पेसर के थ्रू आपस में टच हो जाता है और बटन काम करने लगता है। तो यहाँ पे ये जो बटन है ये हमारा एंटर का बटन है, तो अब हमको देखना है इससे वायर कहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे मुझे दो कनेक्शंस मिल गया है, एक ये और एक ये। इन दोनों पिन आउट में वायर को सोल्डर करके एक बटन लगा देंगे तो बिल्कुल वही काम होगा जो इंटर प्रेस करने से होता है। तो ये बटन उम्मीद से भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और अब हम इसे किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि जब भी मैं इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये कर्सर नीचे चला जाता है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। तो अब तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है तुम इस पे निकाल सकते हैं और ये टूटेगा भी नहीं, या शायद टूट भी सकता है।
इस बटन का सबसे खास बात यह है कि जब हम कर्सर को सब्सक्राइब बटन के ऊपर ले जाते हैं और इसे जोर से प्रेस करते हैं तो वो सब्सक्राइब का जो बटन है वो लाल से ग्रे होने के बजाय लाल से नीला हो जाता है। तो अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर लो।